करते हैं त्रिदीप भट्टाचार्य से कि बाज़ार में इस समय क्या हो रहा है। त्रिदीप, लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में जिस तरह के नर्वस करने वाले क्यूज़ आए हैं, क्रूड का बहुत बड़ा स्पाइक हो जाना, ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, हालांकि बाज़ार के फंडामेंटल्स को परमानेंटली डैमेज तो नहीं करते, मैक्रोस थोड़ा हिला देते हैं शायद, लेकिन एट द सेम टाइम माइक्रो क्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पे आपके ग्राफिक्स आएंगे कि होलसेल लोन्स जो हैं, कॉर्पोरेट लोन्स, इंडस्ट्रियल लोन्स, वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पे वापस पहुंच गए हैं। तो मैक्रो वर्सेस माइक्रो, तो मैं सुबह बात कर रहा था अपने कोलीग से, मैक्रो भले ही टेम्परेली चैलेंजिंग लग रहे हो बट माइक्रोज इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून and thanks for inviting me to your show. आपने अपने मार्केट की नब्ज बिल्कुल सही पकड़ी है। इनफैक्ट साल के शुरू से हमारा ये रुझान रहा है कि 2022 को अगर हम देखें, सो फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट स्टैंड पॉइंट इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं टेल ऑफ टू हाफ्स, बेसिकली हाउ आई टॉक्ड अबाउट इट। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर यहाँ पे हम लोगों को तीन चीज देखने को मिलेगी which can cause volatility for the market. पहला ये कि जो इंटरेस्ट रेट नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात है जो यूएस में आ रही है, मार्च 15 या मिडिल ऑफ मार्च में उनकी पहली मीटिंग है, तो किस रेट से पॉलिसी नॉर्मलाइज होगी, ये एक बात है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। फिर शुरू में हमारे पास ओमिक्रॉन जैसे इश्यूज थे जो भी चले गए हैं पीछे, but that was another issue that one had to reckon with. Third, जो ये इन्फ्लेशन की बात आ रही थी वो भी आगे पीछे, another macro point like you highlighted कि इन्फ्लेशन कुछ कितने हद तक stubborn है, कितने हद तक नीचे आएगी, ये एक और इश्यू मार्केट के लिए बन सकता है। And finally this geopolitical issue of Russia Ukraine. तो ये सब मिला के ये सारा बंचअप जो हो रहा है ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में हो रहा है और सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं एंड और इसके चलते मार्केट में थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी, ऐसा हमारा शुरू से मानना था। बट हम ये भी साथ में मानते हैं कि एज वी गो टू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, दैट इज व्हेन द अर्निंग्स रिकवरी स्टार्ट शोइंग अप। ये अर्निंग्स रिकवरी जो है ये दिस इज इन माय ओपिनियन ईयर 2 ऑफ ए 4-year रिकवरी टिल 2024। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्निंग्स में हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी, वेदर इट इज फाइनेंशियल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट ग्रोथ और इंडस्ट्रियल्स और फ्यू इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स, वो सामने आना शुरू हो जाएगा। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट हम लोग ये मानते हैं कि ये फर्स्ट हाफ के वॉलेटिलिटी में अगर हम धीरे धीरे स्टॉक्स को ऐड करते रहे so that in the second half we are well positioned for the market. So ये हमारी hypothesis रही है so far since the beginning of the year, and the data points are actually kind of coming in line with it. So that is how I would kind of summarize my thoughts on the market at current levels. नहीं, आपकी hypothesis तो काफी बहुत rock solid दिख रही है। त्रिदीप, आपने पुरानी रिसर्च इस तरह की पढ़ी है क्या, या इसके बारे में कुछ आप पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं कि एलिवेटेड पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन में बाजार कैसा बिहेव करता है? मैं अभी कुछ डेटा पॉइंट्स देख रहा था कि पास्ट में 20 सालों में कुछ कई ऐसे क्वार्टर्स आए हैं जब बहुत ही एलिवेटेड रहता है इन्फ्लेशन, और उसके ऊपर पॉलिसी एक्शन हो, कॉर्पोरेट्स अपनी तरह से बिहेव करें, वो अलग बात है, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन एलिवेटेड फेजेज ऑफ इन्फ्लेशन में बाजार कैसा बिहेव करता है? बहुत अच्छा सवाल है अजय, और बहुत इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल है, और इन माय ओपिनियन, इन अदर वर्ड्स ए वेरी की क्वेश्चन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंडपॉइंट। सो मेरा थिंकिंग ऐसा है, तो जब हमने पिछले 30 साल मार्केट की स्टडी करी कि जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, 2 or 3 थिंग्स केम आउट। पहली बात तो ये कि जब पहली बार धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ना और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों साथ में ही बढ़ते हैं जनरली, जब ये बढ़ना शुरू हो तो एक्चुअली इक्विटी मार्केट्स काइंड ऑफ थोड़ी बहुत शुरुआत में उथल पुथल होती है, बट दे एक्चुअली डू वेल। सो इन अदर वर्ड्स, इन द इनिशियल राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट्स एक्चुअली डू क्वाइट वेल। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स और इन्फ्लेशन का कारण ये होता है कि इकोनॉमी में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, and that is good for from an earning standpoint, and that is the reason it turns out to be better for equity markets, not worse. गड़बड़ तब होता है अगर हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा एक साथ में बढ़ जाए as opposed to earnings upgrade. तो जैसे अभी इकोनॉमिक रिकवरी की मैंने बात करी पहले, तो वो एक स्टडी पेस से आगे बढ़ेगी, वो अचानक से एकदम बढ़ नहीं जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, अगले 2-3 साल में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके सामने अगर इंटरेस्ट रेट आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें एक बार में, तो मार्केट को मुश्किलात आती है। मार्केट को केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, धीरे धीरे बढ़ाने से बिल्कुल मुश्किलात नहीं आती है। सो टू समराइज व्हाट आई एम सेइंग, initial rises in interest rates or inflation actually is good from an equity market standpoint. The question or the issue becomes if the rise in interest rates or inflation becomes too high, तब हम stagflation scenario में चला जाते हैं, जो market में history में एक दो बार हुआ है। पर अभी का जो scenario है, most of the inflation today is actually driven by supply side constraint. मतलब कहीं पे chip shortage के चलते ये हो रहा है, कहीं पे कंटेनर शॉर्टेज के चलते प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ये जो ऑयल प्राइस है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते थोड़ा ऊपर बढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर मोर सप्लाई रिलेटेड। ये अगले 3 से 6 महीने में वन वे और अनदर ये ईज आउट होंगी, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा नीचे आएगा एंड हेंस होपफुली थिंग्स विल बी मोर बेटर फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। बट होपफुली इट गिव्स यू ऑल राउंड पर्सपेक्टिव ऑन इन्फ्लेशन। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क। All right, good afternoon, Trideep. Pleasure to have you on the show. Of course, ये हम इस interesting conversation को ये आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन से कहाँ का इम्पैक्ट होगा, कितना किस तरह से इसे बाजार डिस्काउंट इन करे, तो अगर हम 2022 को, इस साल को अगर समझना चाहें कि इस साल में क्योंकि ये वॉलीटिलिटी लगातार हम तब से देख रहे हैं जब से फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात हो रही है। जब तक फेड रेट हाइक कर नहीं देता तब तक क्या हम वॉलेटिलिटी देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि बाजार अब कहीं ना कहीं 3 से 4 बार डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट हाइक को डिस्काउंट इन कर चुका है? कैसे इसको समझना चाहिए अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें इस साल को, इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे? बहुत अच्छा सवाल है। सो अगर इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखें तो पिछले 6 महीने में वी वेंट फ्रॉम अ सिनेरियो की 2 या 3 हाइक होंगे 2022 में, है ना, जो अभी चल रहा है, to now where people are expecting anywhere between 6 to 7 or 5 to 7 interest rate hikes in the United States. So ये change हुआ है पिछले 3 से 6 महीने में market के understanding. So obviously the volatility in the market is in consonance with this. अभी इसको ultimately कैसे देखा जाए? So मेरे हिसाब से US में inflation अभी ज्यादा है, मतलब actually current levels में जो अगर उनकी inflation देखा जाए तो it is highest it has been in the last 30 years. That's just the facts. So hence market is worried कि मतलब Fed बहुत ज्यादा interest rate नहीं बढ़ा दे। लेकिन अगर आप Fed का statement देखो, and of course we are all observers, we are not in Fed seat, but अगर आप Fed के statement देखो तो वो बार-बार ये कह रहा है कि we want to go in a very calibrated manner over the next 2 years. We don't want to kill the economic recovery. इसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल में जब मार्च 15 में जब वो बात करेंगे, they will probably increase it by a nominal amount, but they will point towards a more gradual increase rather than a sudden increase in sync with what the inflation is. And the reason why they would do so is because जो इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ा है, ये अगले 3 से 6 महीने में जैसे सप्लाई साइड चैलेंजेस कम होते हैं वैसे कम भी हो जाएंगे, तो जो प्रेशर है टू रेज द इंटरेस्ट रेट वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग शुरू में कहा कि ये सारी जो वोलेटिलिटी है ये फर्स्ट क्वार्टर और मैक्सिमम फर्स्ट हाफ में बंचअप होके रहेगा और इसमें मार्केट आगे पीछे होता रहेगा। इसमें हम लोगों को अपना पोजिशन बना लेना है ताकि अगले 2-3 साल के लिए हम लोग मार्केट में वी कैन पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिकवरी रेट। त्रिदीप, आप अपने पोर्टफोलियोज में अभी क्या रिव्यू ले रहे हैं? आप अभी भी ज्वाइन किए हैं, लेकिन क्या रिसर्च पढ़ रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ वॉलेटिलिटी के दौरान कुछ तरह के पोर्टफोलियो में एडिशन चेंजेस वारंट कर रहे हैं? तो हम लोग कुल मिला के वी आर बुलिश ऑन 5 थीम्स एंड आई नेम सम ऑफ देम। उसमें अलग अलग सेक्टर में वो फिट होते हैं, but the first thing that we are playing in our portfolio is basically rebound in credit growth. जो आपने पहले डेटा पॉइंट सजेस्ट किया कि क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने को मिल रहा है, ये हमको लगता है अगले 1-2 साल में ये ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक जो है ट्रेंड हम अपने पोर्टफोलियो के थ्रू खेल रहे हैं। सेकेंड, हमको लगता है कि जो मैंने बोला कि इकोनॉमिक रिकवरी आएगी अगले 2-3 साल में, उसका रीजन ये होगा कि देयर विल बी अ प्राइवेट कैपेक्स साइकिल। सो ये कैपेक्स साइकिल अगले 2 से 3 साल में देखने को मिलेगा। वी आर ओवरवेट ऑन द नेम्स व्हिच आर ए प्ले ऑन द सेम। थर्ड, हम लोगों को लगता है कि जो गवर्नमेंट PLI स्कीम्स हैं उससे जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हो, विल गेट अ गुड बूस्ट फ्रॉम ओवरऑल स्टैंड पॉइंट, एंड इट इज गोइंग टू गेट ब्रॉडन overall. So that is the third theme that we are kind of positive on, and similarly we are also positive on overall consumer stocks with pricing power, and also the secular growth stories behind China plus one beneficiaries. But ये चार पांच theme जो हैं ये हमने अपने portfolios में, हर portfolios में to a different degree we are playing these themes in a meaningful way. So we are overweight, for instance, financials, industrials and economic facing sectors overall. हमको लगता है अगले 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर्स में अच्छे पैसे बनने के स्कोप है. ऑलराइट, एब्सोल्युटली. ऐसे में अगर बिल्कुल हम नए मॉडल्स, नए बिजनेस मॉडल्स जो आप सर्च कर रहे हो, जो आपको लगता हो कि क्योंकि कई सारी थीम्स बाजार में चलेगी लेकिन बाजार वहाँ भरोसा जताना चाहेगा, उन स्टॉक्स को ज़्यादा पसंद करेगा, वहाँ वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी जहाँ बनेगी, जहाँ के बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, मे बी जिनके पास एक मोट है, या ऐसे कोई स्पेशल बिजनेस मॉडल्स आप स्टडी कर रहे हो और हमसे शेयर करना चाहते हो त्रिदीप? आई थिंक पहली बात जो मैं बोलूंगा, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया. आई वुड यूज दैट क्वेश्चन टू गिव ए पर्सपेक्टिव टू दिस कि मुझे लगता है कि अगले 1-2 सालों में वही मार्केट बेट करेगा जहां पे अर्निंग्स अपग्रेड आ रहे हैं. So that is the underlying factor that is kind of there in all the 5 themes that I highlighted in front of you. कि यहाँ पे earnings upgrade आना होगा. जहाँ earnings upgrade होगा वहाँ stocks बेहतर करने लगेंगे. ये जो macro theme है, वो macro theme पिछले 12 से 18 महीने में बहुत अच्छे तरीके से चल चुके हैं, वो हो गया है. अभी बॉटम अप earnings themes, earnings triggers वाले stocks जो है, जो हमने 5 theme गिना है उसमें आ जाएंगे. In that context, जो आपने new age business models की बात करी, one of the things that that I would like to highlight to both of you is जहाँ एक तरफ हम theme खेलते हैं, कुछ theme हम avoid भी कर लेते हैं. So जैसे ये new over the last 3 to 6 months we have kind of so far avoided the whole downdraft in what we are seeing in the new age business models, जहाँ पे कि मतलब valuations ज़्यादा थे और वहाँ पे अच्छा correction देखने को मिला. Fortunately, हम वहाँ पे नहीं थे, तो हमारे funds in that context have done better in that scheme of things. But मुझे लगता है कि इनमें से कुछ stocks ऐसे हैं जहाँ पे मोड बहुत strong है, and we will get good stocks to or good prices to enter in over the next 3 to 6 months as earnings normalizes. ये सारे new business models में पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा earnings momentum था, वो इसलिए क्योंकि हम सब घर में बंद थे और इसलिए सारी ट्रांजैक्शन, सारी चीजें डिजिटल होती रहीं. एज वी गो आउट एंड काइंड ऑफ लिव लाइफ इन अ मोर नॉर्मलाइज्ड वे, शायद अर्निंग्स मोमेंटम उतना स्ट्रांग ना रहे. सो द स्टॉक्स व्हिच विल डू वेल अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस इन माय ओपिनियन आर द स्टॉक्स व्हिच आर द वंस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. तो अभी मैं वैसे स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ जो उस सिचुएशन में भी अच्छा कर सके. थैंक यू वेरी मच त्रिदीप, आज हमारे साथ बात करने के लिए और शो पे आने के लिए. Thank you very much. Trideep Bhattacharya, co-CIO Edelweiss Mutual Fund के वोल्टा